तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा ने हारे हुए मैच को ऐसे पलटा जीत में। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 237 रन बनाए। आपको बता दें कि भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने सबसे ताबड़तोड़ पारी खेली, सूर्य कुमार यादव ने 64 रन बनाए, तो वहीं टीम के उप कप्तान के एल राहुल ने भी 49 रनों का योगदान दिया। 238 रनों का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम की ओर से साई और ब्रेंडम किंग्स मैदान पर उतरे। दोस्तों, वेस्टइंडीज के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन आठवां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेंडम किंग्स को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद फिर से दसवां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने डीएम ब्रेभे को भी विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। हालांकि एम्पायर ने इसे नॉट आउट करा दिया था, मगर रिव्यू लेने के बाद ये पता चला कि बल्लेबाज आउट था, जिससे भारतीय टीम को ये दूसरी सफलता भी हाथ लगी। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने साई होप को आउट करके वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। आपको बता दें, इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान पूरन को 9 रन पर आउट करके अपना तीसरा विकेट हासिल किया और ये टीम के लिए चौथी सफलता थी। इसके बाद ठाकुर ने होल्डर को 2 रनों पर आउट किया। वहीं दीपक हुड्डा ने 44 रन पर खेल रहे समर ब्रुक्स का विकेट लेकर भारतीय टीम की इस जीत को और भी करीब ले आए। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 33.4 ओवरों में 6 विकेट पर 133 रन हो गए हैं। अभी भी उसे जीत के लिए 105 रनों की और भी दरकार है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।